हे गाइज लिसेन, निर्देशांक ज्यामिति कैसे सीखें, इस वीडियो में आपका स्वागत है। चाहे आप आगामी परीक्षा के लिए अध्ययन कर रही हों या गणित की इस महत्वपूर्ण शाखा के बारे में अपनी समझ में सुधार करना चाहते हों, आप सही जगह पर आए हैं। इस वीडियो में हम बुनियादी बातों से लेकर उन्नत अवधारणाओं तक ज्यामिति में महारत हासिल करने के लिए आपको जो कुछ भी जानने की जरूरत है उसे कवर करेंगे। तो चलो शुरू हो जाओ। निर्देशांक ज्यामिति के संबंध में जो सबसे पहली बात जाननी है वो ये है कि निर्देशांक ज्यामिति क्या है। तो दोस्तों, हम यहाँ जानेंगे कि निर्देशांक ज्यामिति वास्तव में ज्यामितीय आकृतियों का अध्ययन बीजगणित और उसके समीकरणों की सहायता से करने का विज्ञान है। इसका तात्पर्य यह है कि हम निर्देशांक तल पर आकृतियों का अध्ययन करने के लिए समीकरणों और बीजगणित का उपयोग करते हैं। निर्देशांक तल अनिवार्य रूप से एक ग्रिड है जो दो लंब रेखाओं एक्स अक्ष और वाई अक्ष से बना है, जो मूल बिंदु 0, 0 पर प्रतिच्छेद करता है। इन अक्षरों को संख्याओं के साथ लेबल किया जाता है जो मूल से किसी भी दिशा में दूरी का प्रतिनिधित्व करते हैं। उदाहरण के लिए, यदि हम एक इकाई को एक्स अक्ष पर उत्पत्ति के दाईं ओर ले जाते हैं तो हम बिंदु 1, 0 पर पहुंच जाते हैं। यदि हम दो इकाइयों को वाई अक्ष पर ऊपर ले जाते हैं तो हम बिंदु 0, 2 पर पहुंच जाते हैं। अब जब हम जानते हैं कि निर्देशांक समतल क्या है, तो आइए जानें कि बिंदुओं को कैसे आरेखित किया जाता है और उस पर समीकरणों का आलेखन कैसे किया जाता है। तल पर एक बिंदु को प्लॉट करने के लिए हम केवल इसके निर्देशांक एक्स वाई को लिखते हैं और उस बिंदु को ग्रिड पर पाते हैं। उदाहरण के लिए, बिंदु को प्लॉट करने के लिए हम एक्स अक्ष पर दाईं ओर 2 इकाइयां और वाई अक्ष पर 3 इकाइयां ऊपर ले जाते हैं और हमें अपना बिंदु मिल जाता है। इस वीडियो में आगे हम सीखेंगे कि किस प्रकार दिए गए तल में किन्हीं 2 बिंदुओं के बीच की दूरी ज्ञात कर सकते हैं यदि उन बिंदुओं के नियामक दिए गए हों। समझने के लिए एक महत्वपूर्ण अवधारणा दूरी सूत्र है जो हमें समन्वय तल पर 2 बिंदुओं के बीच की दूरी का पता लगाने की अनुमति देता है। दूरी सूत्र है PQ√x2 − x1² + y2 − y1² जहां PQ 2 बिंदुओं x1 y1 और x2 y2 के बीच की दूरी है। निर्देशांक ज्यामिति सीखते समय सफलता के लिए यहां कुछ युक्तियां हम बता रहे हैं। ये युक्ति है अभ्यास, अभ्यास, अभ्यास। जितना अधिक आप प्लॉटिंग पॉइंट्स, ग्राफिंग, इक्वेशन और फार्मूला का उपयोग करने का अभ्यास करेंगे, आप कॉन्सेप्ट के साथ उतने ही सहज होते जाएंगे। पर्याप्त समय लीजिए, समस्याओं में जल्दबाजी न करें और ये सूत्र कैसे कार्य करता है इसको समझें। सूत्रों को याद करने का, रटने का प्रयास न करें। वीडियो को समाप्त करने से पहले मैं कुछ महत्वपूर्ण बातें कहना चाहूंगा। इस टॉपिक पर कोई समस्या हो तो कृपया कमेंट बॉक्स में लिखें, हम यथासंभव समाधान करेंगे। यदि वीडियो हेल्पफुल लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। धन्यवाद।